कि आज मुख्यमंत्री नूं समझना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री हैं, मैं सारे नूं नाल लेके चल के पंजाब दे भले दी पंजाब दे पानी देखो पंजाब दे पानियां दे मसले ते जिहड़ा SYL दा संकट आया होया उस वास्ते सारथी नाम दी संस्था ते सरदार प्रगट सिंह जी जिहड़े साडे विधायक हैं जलंधर तों उन्हां वल्लों एक सारियां पार्टियां ते बुद्धिजीवियां नूं बुला के एक सार्थक डिबेट की गई है, सैमीनार किया गया है जिदे च सब ने अपने सुझाव दिते है, समस्यावां समस्या का जिक्र किया है किस तरह पंजाब च होया ते अज उहदा क्या हल है उहदे बारे सारिया ने अपने विचार दिते है। एक अच्छी शुरुआत और अच्छा प्रोग्राम होया क्योंकि जिस तरह हुण 1 तरीक नूं भी इकट्ठ हो रहा है भगवंत मान जी बुला रहे हैं हर किसी नूं थापियां मारी जांदे कि आ जाओ मेरे नाल डिबेट करो, अज मौका अपनियां नाल उन्हां दियां नुक्ताचीनियां या विरोधता करन दा नहीं है या उन्हां दियां गलतियां कढ़न दा नहीं है, उन्हां दियां गलतियां कढ के लोकां ने इस सरकार नूं ले आंदा है ते अज मुख्यमंत्री नूं समझना चाहीदा है कि मैं मुख्यमंत्री हैं, मैं सारिआं नूं नाल लेके चल के पंजाब दे भले दी पंजाब दे पाणी जिहड़े जा रहे आ उन्हां नूं रोकणा है, लेकिन पंजाब सरकार एक बहुत बड़ी बजर गलती सुप्रीम कोर्ट अगे कर चुकी है कि इन्होंने मान लिया कि असी पानी देने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी जजमेंट के लिखे तो इन्होंने कहा कि SYL के राही ना लो किसी होर तरीके पानी ले लो, लड़ाई SYL बने ना बने ये नहीं है, लड़ाई ये है कि पानी जाना है कि नहीं जाना, पानी की लड़ाई है नाले की लड़ाई नहीं है, नाला कढ़ने वास्ते इन्होंने कहता नहीं कढ़ना पानी देने मन गए हैं। सो ये जिहड़ी गल है ये चाहे इन्हां दी नलैकी तो होई है चाहे अनपढ़ता होई है चाहे योग प्रशासक ना होण करके होई है इस मसले नूं हुण अगे सुलझाउणा पैणा है। सो ये मसला पहलां भी पंजाब दे लोकां ने अपना खून दे के इस मसले नूं रोक के रख्या, पंजाब दे पाणी नूं रोक के रख्या, हज़ारां जानां चले गईआं, अतवाद दा संताप भी हटाया, बहुत कुछ पंजाब दे विच इस करके होया ते वक्खवाद दी भी गल चली है, इसलिए केंद्र सरकार नूं चाहिदा है आउण वाला समां पंजाब वास्ते माड़ा ना करे ते कोई कमीशन बना के पंजाब नूं दुबारे तो सुनो क्योंकि 50 साल पुराना समझौता अज नहीं लागू हो सकता, अज साडे पास पानी ही नहीं है। चली साहब एक तुसीं जिक्र कीता धारा 78 दे जिहड़े कहिंदे जिन्ना चक्कर ओह नहीं हल हुंदी ओह नहीं रद्द हुंदी उहना चक्कर पानी दा मसला हल नहीं होणा लगदा कि उस ते मार देखो इस तरह है कि बुद्धिजीवियां ने भी सारी गल दित्ती, वकीलां ने भी इह गल तय कीती है, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ SYL ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।